Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Our next session is on exchange rate targeting. We already know that monetary policy has certain instruments and certain intermediate targets, which are also called nominal anchor. And there are different nominal anchors which can be taken up by monetary authority or monetary policy. For example, money supply is a nominal anchor.

कि जिसमें इन्फ्लेशन फोरकास्ट को इंटरमीडिएट टारगेट के तौर पे या नॉमिनल एंकर के तौर पे लिया जाता है इसका क्या फायदा होता है इसका फायदा यह होता है कि लोगों की जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो एंकर होती हैं वो मैनेज होती हैं यानी कि जब सेंट्रल बैंक स्ट्रांग कमिटमेंट शो करते हैं इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने का तो लोगों की एक्सपेक्टेशन एंकर होती हैं उन्हें पता होता है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन का ये टारगेट अचीव करेगा तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उससे अलाइन करते हैं और फिर जितने इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उस इन्फ्लेशन फोरकास्ट की बेस पे इंजाम पजीर होते हैं उसकी बेस पे डिटार्मिन होते हैं अब जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटेजी में इन्फ्लेशन फोरकास्ट इंटरमीडिएट टारगेट है या नॉमिनल एंकर है बिल्कुल उसी तरीके से एक और तरीका हो सकता है कि एक्सचेंज रेट को टारगेट कर लिया जाए और एक्सचेंज रेट जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी न्यूमेरिकल वैल्यू टारगेट की जाती है इन्फ्लेशन की तो एक्सचेंज रेट टारगेटिंग भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है क्यों इसमें आप एक्सचेंज रेट की नॉमिनल वैल्यू के फॉर एग्जाम्पल रुपी टू डॉलर है या रुपी टू गोल्ड है किसी चीज के साथ भी आप इसका कोई टारगेट सेट करते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एक नंबर होगा जिसको अचीव करेगा सेंट्रल बैंक तो ये भी एंकर के तौर पे काम करता है क्यों इसलिए कि एक्सचेंज रेट क्या करता है जैसे इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि वो आपकी करेंसी की गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में वैल्यू डिटामिन होती है अगर आप इन्फ्लेशन का एक नंबर अचीव करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से एक्सचेंज रेट टारगेट अचीव करने का मतलब ये होगा कि आपकी करेंसी की फॉरेन करेंसी या किसी प्रीशियस मेटल की टर्म में वैल्यू डिटामिन हो रही है जैसे डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट तय हो जाए तो आपकी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू डिटर्मिन हो गई तो जब वैल्यू डिटर्मिन हो गई और लोग लोगों के लिए सेंट्रल बैंक की ये कमिटमेंट क्रेडिबल हो कि वो ये टारगेट अचीव करेगा तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन मैनेज हो जाती है इसलिए एक्सचेंज रेट टारगेटिंग जो है इसमें एक्सचेंज रेट जो है वो नॉमिनल एंकर का रोल प्ले करता है अब एक्सचेंज रेट टारगेटिंग क्या होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है यानी कि एक्सचेंज रेट टारगेटिंग किस फॉर्म में होगी ये डिफरेंट फॉर्म्स में है जैसे नंबर वन पहली फॉर्म हो सकती है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू किसी प्रिशियस मेटल से जो है वो फिक्स कर ले। जैसे जैसे गोल्ड के के साथ जैसे के साथ सिल्वर कि हमारी करेंसी जो है वो उसकी वैल्यू ये होगी कि वो गोल्ड इतना गोल्ड की प्राइस जो है कोई भी गोल्ड के यूनिट की की फॉर एग्जांपल आप प्राइस तय कर लें अपनी करेंसी में और फिर उसी को अचीव करें यानी कि अपनी करेंसी को उससे डिवैल्यू ना होने दें तो ये एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की एक फॉर्म है दूसरी फार्म इसकी ये हो सकती है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के साथ पैक कर लें यानी कि उसके साथ उसे जोड़ लें उसके साथ उसे कनेक्ट कर लें यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेबल इकॉनॉमी ले लें ले और उसकी करेंसी ले लें जैसे यूएस की इकॉनॉमी एक लार्ज इकॉनॉमी है स्टेबल इकॉनॉमी है उसकी करेंसी डॉलर है तो आप डॉलर के साथ रुपी की वैल्यू तय कर लें और फिर उसको फिक्स रखें और उस फिक्स एक्सचेंज रेट को हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी अचीव करे तो यह दूसरा तरीका हो सकता है पहला गोल्ड के साथ फिक्स कर लें दूसरा किसी फॉरेन करेंसी के साथ फिक्स कर लें अब फॉरेन करेंसी के साथ फिक्स करने की अपनी कई फॉर्म्स हैं जो अगले लेक्चर में या अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक तीसरी फॉर्म यह हो सकती है कि आप क्रॉलिंग पैक बना लें यानी कि आप बिल्कुल एक फिक्स वैल्यू ना रखें चाहे वो फॉरेन करेंसी हो चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो किसी और कंट्री का इन्फ्लेशन ही हो किसी के साथ भी आप फिक्स करते हैं तो आप उसे परफेक्टली फिक्स ना करें जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स तो ये हुआ ना कि थ्री हंड्रेड रुपीज पर डॉलर पे आप अपना एक्सचेंज रेट फिक्स कर लें ये तो हो गया पैग क्रॉलिंग पैग ये है कि वक्त के साथ आप अपना टारगेट बदलते रहें जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन अनफोल्ड होती जाए जैसे जैसे नई सिचुएशन डेवलप होती जाए तो सेंट्रल बैंक अपना टारगेट जो है वो रिवाइज करता जाए तो ये कहलाएगा क्रॉलिंग पैक तो या हो गया प्रेशियस मेटल के साथ फिक्स कर लें या किसी फॉरेन करेंसी के साथ अपने करेंसी का रेट फिक्स कर लें या फिर क्रॉलिंग पैक बना लें ये तीनों की तीनों फॉर्म्स एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की होंगी थैंक यू